तो दोस्तों, आपने चिकन मटन बहुत खाया होगा और देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसा तवा जहाँ एक दिन में 25 से 30 किलो पोट कलेजी और चिकन मसाला बनता है, जिसकी खुशबू से लोग दूर दूर से चले आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मजा आ जाएगा। आ गया है क्या भैया? ये पोटा और कलेजी है। ये पोटा दोनों मिला हुआ इसके अंदर में? हाँ, दोनों मिला हुआ है। इस तरह कटिंग करते हैं पोटा को। कितना किलो बनेगा आज ऐसे? अभी 5 किलो मोटा मोटा फिर बनेगा। और कलेजी कहाँ पे है? कलेजी है अभी हम काटे नहीं है, कल पहले पोट काट रहे हैं। तो पोट जो है जल्दी नहीं बनता है, इसी कारण से थोड़ा सा उसको पहले ही भूंज लेते हैं। भूंजने के बाद में कलेजी डालते हैं। सरसों का तेल आएगा इसको पड़ने में। ये बिल्कुल फ्रेश सरसों का तेल, ऐसा नहीं कि काला काला यूज़ नहीं करते हैं। नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे भी सामने है हमारा। अच्छा, यही यहाँ पर भी है सरसों का तेल, सलोनी यूज करते हैं। ये यहाँ पोटा पूरा आ चुका है इसके ऊपर में। तेल गर्म होगा उसके बाद सीधा आ जाएगा पूरा पोटा वाला इस तेल के अंदर में। ये देखिए, अब आ चुका है पूरा का पूरा पोटा ना इस खोलते हुए तेल के अंदर में। अब कब तक भूंजिएगा इसको? लगभग 5 से 6 मिनट तो भूंजेंगे, ताकि पोट जो है हाँ अच्छी तरह से गल जाए। और उसके बाद से ऐड करिएगा आप कलेजी को। उसके बाद हम ऐड करेंगे कलेजी को। तब ढक दिए इसको, ढकने के बाद फिर ना ये उसको जब पक जाएगा तब निकालेंगे और फिर डालेंगे कलेजी को इसको। अभी हम कलेजी काटे हैं। यहाँ देखिए पोटा चला गया है इसके अंदर में, डब्बा बंद हो चुका है। हाँ। अब उसके बाद यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं आप कलेजी का। कलेजी कितना कलेजी होगा? पोटा और कलेजी दोनों मिला करके 5 किलो हो जाएगा। हमेशा 5 किलो करके बनाते हैं, ताकि जो लोग जो है हाँ खाने जो आते हैं, जो प्रेस देख कर ही सबसे ज़्यादा आते हैं। यहाँ ताज़ा बनता है, बना के नहीं रखते हैं, इसलिए लोग सबसे ज़्यादा अपने आँखों से देख करके देखते हैं। क्या बोला भैया? यहाँ देखिए बना भी नहीं है और आधा घंटा पे वेट कर रहे हैं। क्या खाने के लिए आए खास कर? पोट कलेजी। पोट कलेजी कहाँ जाए आप लोग? यहीं बगल से आए। सही भाई साहब, दीवानगी देखिए लोगों की यहाँ पे थोड़ा, कि बना भी नहीं है, अभी तवा पे चढ़ा हुआ है और लोग नंबर लगा के यहाँ पे वेट करना शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए, एक तरफ यहाँ पे अपना पोटा कलेजी है और यहाँ पे देखिए इधर आइए, इधर आइएगा तो ये दिखेगा आपको। ये क्या भैया? ये चिकन है। ये आपको चिकन मसाला वाला? चिकन मसाला वाला चिकन। और ये कितना किलो होगा अप्रॉक्स? अप्रॉक्स इसमें 7 किलो। 7 किलो के आसपास? 8 किलो मोटा मोटा। 8 किलो जो है यहाँ पे आपको चढ़ा हुआ है अपना मसाला वाला चिकन है ना। और कैसे बनता है ना वो सब कुछ दिखाएंगे। बहुत शानदार जगह है। इधर देखिए, इधर रॉ रखा हुआ है पूरा। वाह जी वाह, खुलते ही ना क्या मज़ा आया है। बिल्कुल शानदार सा, एकदम फ्रेश लेकर आते हैं या पुराना होता है? फ्रेश है पूरा, एकदम पूरा फ्रेश लेकर आते हैं, धोते हैं। यहाँ पे आ चुका है नमक इसके ऊपर में। और देखिए कैसे बनता है, रंगत कैसा निकलेगा ना, उसका स्वाद कैसा होगा, सब कुछ दिखाएंगे अभी आपको हम। ये आ गया हल्का सा, उस पर हरी मिर्च। हरी मिर्च आ गया। ये प्याज आएगा, इस पर प्याज आ गया। बहुत बढ़िया। तो कब से काम कर रहे हैं भैया आप ये सब? ये मोटा मोटी 13 साल हो गया। 13 साल से काम कर रहे हैं आप? हाँ। यहाँ पे सिर्फ यही सेल करते हैं, और कुछ भी सेल करते हैं? नहीं नहीं पोट कलेजी। हाँ, और चिकन कबाब। चिकन कबाब कहाँ पर रखा हुआ है? जी सामने, यही। ये देखिए यहाँ पर दिख जाएगा आपको, चिकन कबाब है वहाँ कोयला के आज पे ना बनेगा अपना चिकन कबाब। ऐसा क्या खास है इसमें जो इतना भीड़ लग रहा है? खास ये है कि यहाँ पे मसाला का मेन चीज है, मसाला और बनाने का तरीका। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लग जाएगा बस मसाला डाल के। 15 मिनट लग गया। ये क्या डालें इस पर? अभी लहसुन डाले हैं। ये आ गया लहसुन। तो जब भी आएंगे गर्मा गर्म मिलेगा या बना के छोड़ दे एक बार में? गर्मा गर्म मिलेगा खाने के लिए। खाने के लिए गर्म गर्म मिलेगा। ये क्या डाले ऊपर से? ये मसाला मिक्स मसाला है। क्या क्या इसमें मिलाए हुए हैं? इसमें धनिया, गोल के जीरा पाउडर वगैरह बहुत सारा मसाला मिक्स है। वाह। तो ये देखिए यहाँ पे भी 15 मिनट लगेगा उसको पकने में। और पकने के बाद ना जो मज़ा आया खाने का ना, वो हम नहीं छोड़िए। ये देखिए एकदम एक टक नजर करा के देख रहे भाई, बने और हम निकल के खाना शुरू कर दें। ये क्या आ गया? टमाटर प्यूरी। टमाटर है। ये टमाटर प्यूरी, थोड़ा मसाला आ गया इसमें। ये हो गया हमारा गोलकी। चलिए ये पर से आया हल्दी अभी? नहीं, ये हल्दी क्या है? ये भी मसाला है मिक्स का। ये मिक्स मसाला आ गया। हाँ। इस पर लाल मिर्च आया। लाल मिर्च, ये सब मसाला घर पर कूटते हैं अपने? हाँ, अपने बनाते हैं। तो एक तरफ देखिए वहाँ बन रहा है अपना पोटा और कलेजी। और ये कब तक बन जाएगा भैया वाला? ये भी वही 15 मिनट लग जाएगा इसमें भी। ये आ गया प्याज ऊपर से। बड़ा सिंपल सा रेसिपी है। और अगर एड्रेस की बात, कौन सा एड्रेस है यहाँ पे? ये पुराना हाई कोर्ट 4 नंबर गेट है। सिंपल तरीके से बनाते हैं, लेकिन टेस्ट लगेगा बहुत बेहतर लगता है। पहले क्या करते थे? इससे पहले हम कुछ नहीं करते थे, बस कमसन एग्ज़ाम सबका लिखते थे। एग्ज़ाम एग्जाम लिखते थे कमसन। अच्छा, एग्ज़ाम दिए कभी? कोई एग्ज़ाम पास किया अभी तक? नहीं। यहाँ पे देखिए एक तरफ शुरू हो चुका है अपना लगना अभी सीख कबाब, कोयले की आंच पे इसको लेकर के आएंगे। और ये देखिए, वाह जी वाह, क्या शानदार सा दृश्य है।
बिल्कुल कोयला जो है लहक चुका है और इस पर रख चुके हैं, धीमे धीमे आते हुए पकता रहेगा। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ तक देखेंगे ना आपको दिखेगा सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज वाला आइटम। एक तरफ यहाँ पे सीख कबाब है, वहाँ पे है पोटा कलेजी, वहाँ पे है चिकन और ये सब मिलेगा आपको शाम के टाइम में। ये 15 मिनट जो है अपना हो चुका है, ये रेडी हो गई है बस थोड़ा सा। कितना ग्रेवी पूरा खोल रहा है, एकदम शानदार तरीके से ग्रेवी पूरा खोल रहा है, वाह जी वाह। और ये कह रहे हैं कि बस 5 से 7 मिनट में ये बन के रेडी हो जाएगा और लोगों को खाने के लिए। तो भीड़ कब लगता है दुकान में आपके से? भीड़ तो अभी टाइम हो गया है। टाइम हो गया ना, बनते ही स्टार्ट हो जाता है। हाँ कलेजी सिर्फ जिसको चाहिए वो अलग से मिल सकता है। कितने का मिलता है वो? वो प्लेट हिसाब से, जिसको जिसको जितना चाहिए उस हिसाब से मिलेगा। छोटा अलग से मिल जाएगा, कलेजी अलग से मिल जाएगा। दाम कितना होता है इसका? इसका एक प्लेट का 80 रुपये है, दोनों में देते हैं। हाँ 80 का मिलेगा एक प्लेट? एक प्लेट। और हाफ प्लेट? हाफ प्लेट 40 रुपये। वहाँ चिकन जो रखा वो वाला? हाँ इसमें भी, उसमें भी रेट वही है मगर क्वांटिटी थोड़ा सा इसमें बढ़ता है। अच्छा ये इसका दाम कितना है भाई? 80 रुपये का फुल प्लेट? फुल प्लेट 80 रुपये। हाँ बात यह है कि इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा के देते हैं, बढ़ा के मिलता है। हाँ थोड़ा बोन पीस भी रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी जो है ना 15 मिनट के आसपास में बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। रांची में आ रहे हैं और शौकीन है नॉनवेज के ना, आपको दिखा दिए हैं एक से बढ़कर एक जगह। आप आओ, एकदम कम से कम दाम में ना आप इंजॉय कर सकते हैं बढ़िया से बढ़िया नॉनवेज फूड। एक तरफ कलेजी, पोटा कलेजी, चाप, चिकन, मटन, बहुत कुछ मिलेगा आपको रांची में ट्राई करने के लिए। इतना कम दाम कैसे खिला रहे हैं आप लोग? बस हमारा विश्वास है कि संतुष्टि मिले लोगों को और हमारा कुछ पैसा बच जाए। तो ऐसा नहीं बहुत कमाने का होड़ नहीं लगा हुआ है कि जब कमा करके लूट लेना सबको? नहीं लूटना नहीं है, लूटना नहीं है, सबको स्वाद खिलाओ। हाँ स्वाद खिलाओ। ये अब पूरा तैयार हो गया। तो यहाँ देखिए बन के बिल्कुल रेडी चुका है लटपट सा अपना पोटा और कलेजी। ये डाल दो ऊपर से हल्का सा गार्निश कर दिया धरे पत्ता से, बहुत सुंदर। ये देखिए ये हाफ मिल रहा है, इस समय हाफ है ये। तो भाई साहब इतना हाफ है मत, ये कितने का है? सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज़ का। चखना है ये तो एक तरह से कहे तो, जो बिहार वालों को ज़रूरत नहीं है इस चीज़ का लेकिन। ये है किसका दिल है भाई साहब? हैं यहाँ पे दिल है। ये आपका आ गया गुर्दा, आ गया कलेजी, आ गया ये कलेजी, आ गया। तो इसी प्लेट के अंदर मैंने ऐसा लग रहा है चाट है, ये नॉनवेज का चाट बोल सकते हैं इसको। एक तरह का गुर्दा, दिल, कलेजी सब मिलेगा खाने के, पथरी सब मिलेगा खाने के लिए। तो आइए अब मुझे पता नहीं है कि इस वाले चम्मच में क्या क्या है, गुर्दा है, कलेजी है, पथरी है, क्या है मुझे पता नहीं। देखते हैं कि स्वाद जो है कैसा मिलने वाला है इस चिकन चाट का। टेस्ट बहुत बढ़िया है, बहुत लाइट फ्लेवर है लेकिन चटपटा है, खाने में मज़ा आएगा। और आपको इस वाले प्लेट के अंदर में आपको सब कुछ मिलेगा खाने के लिए, मतलब तो एक प्लेट में आपको कलेजी, गुर्दा, पथरी सब मिल जाएगा खाने के लिए। सस्ता भी है और बढ़िया भी है। तो पोटा कलेजी के बाद अब नंबर बारी है टेस्ट करने का यहाँ का मसाला चिकन। और वो दिखाई देखते हैं यहाँ पे, देखिए कैसा बना हुआ है। ये पूरा मसाला लगा हुआ है इसके ऊपर में, प्याज दिया गया है और बिल्कुल खड़ा खड़ा मसाला है। और दिख रहे हैं ये चिकन की क्वालिटी है भाई साहब, मतलब मुझे नहीं पता भाई इतने कम प्राइस में आपको रांची में इस तरह का कॉन्सेप्ट ना बहुत जगह पर है, बहुत ज़्यादा लोग खिला रहे हैं। लेकिन रवि हमको यहाँ पर लेकर के आया, ये बताया कि भाई ये भी जगह है ना ये बहुत पॉपुलर है और इसका जो खाना है ना वो बहुत टेस्टी होता है। भाई है अब करते हैं इसको टेस्ट और देखते हैं कि स्वाद कैसा है इसका। टेस्ट है ना वो बढ़िया है। तो बिहार में क्या होता है कुछ मन नहीं करता, अगर क्या निकलता खाने के लिए चिकन चाप, लिट्टी चाप या फिर कचरी लिट्टी, यहाँ पे लोग आते हैं खाने के लिए इस पर खास करके ये चिकन, पोटा कलेजी, लिट्टी और इन्जॉय करते हैं अपने लाइफ को। तो क्या करते हैं ना हम भी अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं रांची में आकर के। तो ख़त्म करते हैं अपने पूरे प्लेट को, अपने इस वीडियो को और मिलते हैं आपको एक नई जगह पर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो क्या करना है यहाँ पर आइए, रांची आइए, चीज़ों को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।